नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सेन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, यदि पीटीटी की थर्ड काउंसलिंग होती है तो आपको कॉलेज चूज किस प्रकार से करनी है, मतलब आपको कॉलेज कितनी भरनी है और किस प्रकार से भरनी है, पूरा तरीका आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। और कितनी कट ऑफ जा सकती है उसका भी जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी पीटीटी थर्ड काउंसलिंग की ले सकें। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी या जो भी लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे ज़रूर दबाएं और उसके बगल में घंटी का निशान ज़रूर होगा। आप जैसे सब्सक्राइब दबाएंगे तो उसके बगल में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आप डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, आपको कॉलेज किस प्रकार से चूज करनी है इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग की जो वेटिंग लिस्ट थी उसमें जिन विद्यार्थियों का नंबर आ गया है उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट हो गई है और उन्होंने फीस भी जमा करा दी है। तो दोस्तों, जिन विद्यार्थियों का नंबर अभी तक नहीं आया है तो पीटीटी थर्ड काउंसलिंग का मौका उन्हें मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी जो सीट हैं, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर डाली थी कितनी सीटें खाली हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें हमारे चैनल पर जाकर, वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाकर, तो आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कॉलेज चूज कैसे करें, किस प्रकार से कॉलेजों का चुनाव करें। तो दोस्तों, आपने फर्स्ट काउंसलिंग में क्या गलती की थी, सेकेंड में क्या गलती की थी? देखिए दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में मात्र किसी ने 50 कॉलेज सेलेक्ट की, किसी ने 25 कॉलेज सेलेक्ट की, किसी ने 20 कॉलेज सेलेक्ट की, क्योंकि उन विद्यार्थियों के जो नंबर थे, किसी के 342 थे, किसी को 335 थे, लेकिन आपको पता है फर्स्ट काउंसलिंग की जो कट ऑफ है लगभग 365 या 360 नंबर से जो ऊपर नंबर आए थे उनका ही सिलेक्शन हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड काउंसलिंग में उन्होंने किसी ने 70 कॉलेज भरी लेकिन उन्होंने आल राजस्थान नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको बीएड करनी है तो आल राजस्थान पर क्लिक जरूर करें, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज जरूर मिल जाएगी। आपका एक साल खराब होने से बचाने के लिए आल राजस्थान जरूर करें। अब की बार यदि थर्ड काउंसलिंग होती है, दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि थर्ड काउंसलिंग होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं जरूर बता दूंगा, तब आपको कॉलेज जब जैसे सेलेक्ट करेंगे आप तो आल राजस्थान पर क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों, कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आप जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले की सभी कॉलेज को सेलेक्ट करना है। आपके जैसे ज़िले में किसी में आप जहां पर रहते हैं वहां पर जैसे 30 कॉलेज हैं तो 30 कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर उससे पहले अगर एक लिंक मैन जो ऑफिशियल साइट है उस पर अगर ये आ जाएगा कि वैकेंट सीट कितनी रही, कितनी खाली सीटें हैं, अगर किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, अगर इसका पता चल जाएगा हमें, अगर ऑफिशियल जो पीटीटी साइट है उस पर, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। तो दोस्तों, अभी तक तो कोई लिंक डाला नहीं है, अगर पीटीटी थर्ड काउंसलिंग होगी तो अगर वैकेंट सीट का ऑप्शन आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप देख लेना किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, उस आधार पर आप कॉलेज का चुनाव कर लेना। तो देखिए दोस्तों, जिस ज़िले में आप रहते हैं तो उस ज़िले की सभी कॉलेज भर लेना और अपने आसपास के ज़िले जो नज़दीक पड़ते हैं उन सभी ज़िलों की टोटल कॉलेजों को भर लेना, लगभग 200, 250 या 300 कॉलेज तक जितना भी आप चुन सके उन सभी कॉलेजों को चुनना, क्योंकि एक साल खराब होने से बचाने के लिए लास्ट ऑप्शन बचा है आपके पास पीटीटी थर्ड काउंसलिंग का। यदि पीटीटी की थर्ड काउंसलिंग होती है तो ये आपके लिए एक अंतिम मौका है एक साल खराब होने से बचाने के लिए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों को सिलेक्ट करना है और लास्ट में आल राजस्थान पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज जरूर मिल सके। तो दोस्तों, अपने आसपास की जो भी जितनी भी कॉलेज हैं उन्हें ज़रूर भरें, क्योंकि हो सकता है अब की बार नंबर आपका आ जाए, क्योंकि मैंने एक कट ऑफ की वीडियो है, वैसे मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन जो कट ऑफ की पर्सनल जो वीडियो है मैं इस वीडियो के बाद में लेकर आने वाला हूं कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, देखिए जिन विद्यार्थियों का नंबर अभी तक नहीं आया है और वो पूछ भी रहे थे कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार ज़रूर करें। वैसे मैं बता देता हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड जो काउंसलिंग है
उसमें कट ऑफ किस प्रकार से रही है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको पता है कि 360 से ऊपर नंबर वाले विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हुई है। उसी तरीके से सेकंड जो काउंसलिंग है उसमें जिन विद्यार्थियों के नंबर 342 से ऊपर नंबर थे उन विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन है सेकंड काउंसलिंग में हुआ था, और जिन विद्यार्थियों के नंबर 339 या 338 थे इसके आसपास थे उन विद्यार्थियों का नंबर सेकंड लिस्ट में आया है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन विद्यार्थियों को बहुत दूर दूर कॉलेज मिला है, तो उन विद्यार्थियों के वहां पर नहीं जाने से जो कॉलेज है कॉलेजों में सीट है वो खाली रह गई है। इस तरीके से जो थर्ड काउंसलिंग है वो हो सकती है, क्योंकि जो जितनी सीटें खाली रही थी, मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी उसे आप जरूर देखें, तो उन सीटों जो खाली रही थी उन्होंने नोटिस जारी कर दिया राजकीय डूंगर कॉलेज को। अब राजकीय डूंगर कॉलेज क्या निर्णय लेती है, क्या हल निकालती है, इसका पता आपको लगभग 30, 29, 30 तारीख के आसपास पता चल जाएगा दोस्तों। तो देखिए साइंस वाले विद्यार्थियों के जो कट ऑफ है थर्ड काउंसलिंग में वो लगभग 330 नंबर से ऊपर वालों का जो सिलेक्शन है थर्ड काउंसलिंग में हो सकता है। इसी तरीके से आर्ट्स में जिन विद्यार्थियों का जो नंबर है 260 है, तो उन विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन है वो थर्ड काउंसलिंग में हो सकता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आपको थर्ड काउंसलिंग का वो वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो जो कट ऑफ की ऊपर है वो लेकर आने वाला हूँ, तो आप उसे जरूर देखें दोस्तों। जाते जाते मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबाकर आप हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।